हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स, आरडी शर्मा, क्लास 9th, एक्सरसाइज 12.3। बच्चों पिछली बार जो वीडियो थी वो 12.2 तक थी, अब हम 12.3 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इन टू राइट ट्राइंगल, हमारे दो राइट ट्राइंगल है, तो चलिए दो राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले तो दो राइट ट्राइंगल बनाते हैं अच्छे से, सुंदर सुंदर। इसका नाम है ए, बी और सी। राइट ट्राइंगल है, और फिर एक और राइट ट्राइंगल बनाते हैं हमारा इसका नाम है डी ई एफ। दो राइट ट्राइंगल बन गए। राइट ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ वन, किसी एक का आप एक साइड ले लो, कोई भी एक साइड ले लो, मैंने वाली साइड ले ली, और कोई एक एक्यूट एंगल लेना। देखो एक तो साइड लेनी थी और एक एक्यूट एंगल। अब यार एक्यूट एंगल तो जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, या तो एक्यूट एंगल ये वाला होगा या तो ये वाला, मैं ये वाला लेता। उसने बोला है आपके जो दो राइट ट्रायंगल है उसमें किसी एक की एक साइड ले लो और एक एक्यूट एंगल ले लो किसी एक का। मैंने इस वाले का एक साइड ले ली और एक एक्यूट एंगल ले लिया। ये इक्वल होंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना उसकी साइड की। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो दूसरा ट्राइंगल है भाई, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, यही होगा इसके बराबर, और इस वाले एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला। ये दोनों बराबर है आपस में ऑफ द अदर। देखो वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल, वन साइड एंड एन एक्यूट एंगल मतलब कि एक एक्यूट एंगल, एक वाला ये बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड और एंगल, साइड और एंगल के दूसरे, ठीक है। प्रूफ करना है दोनों, तो कोई दोनों ट्राइंगल कॉन्कुरेंट है। बेटा कॉन्कुरेंट या कॉन्ग्रुएंट एक ही चीज है, टेंशन मत लेना। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्कुरेंट प्रूफ करना, कर देंगे, बड़ा आसान। तीन रीजन देखो साफ दिख रहे, साफ दिख रहे तीन रीजन, क्वेश्चन ही खत्म है, लेकिन करके दिखाते हैं। इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का नाम है कैसे मर्जी लिखो, ए बी सी, एंड आपको पता है दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम इसके अकॉर्डिंग लिखाएगा। ए बी कौन है, देखो सीधा वाला, तो हम लेंगे डी ई एफ, ठीक है भाई। कॉन्कुरेंट करने के लिए कॉन्कुरेंट बोलो या कॉन्करेंट बोलो, करने के लिए तीन रीजन चाहिए होते हैं। तो देखते हैं तीन रीजन हमारे कौन से है। पहला ये ए बी और ये डी, रीजन क्या है गिवन, क्वेश्चन ने दे रखा है। दूसरा रीजन देखते हैं, ये वाला एंगल ए सी बी, जहां पर एंगल बनेगा उसे बीच में रखेंगे, एंगल ए सी बी वो किसके बराबर है, एंगल डी एफ ई के। जहां पर एंगल बन रहा है उसे बीच में रखते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी क्या बच्चों, गिवन। तीसरा रीजन देखते हैं, ये वाला एंगल देखो, एंगल ए बी सी, जहां पर एंगल बनेगा उसे बीच में रख के बोलते हैं, एंगल ए बी सी ये किसके बराबर है, एंगल डी ई एफ के, मतलब कि इस वाला एंगल। इसका रीजन क्या है, दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90। तो लिखते हैं ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब दोनों के दोनों के हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये भी 90 का है, ये भी 90 का, ठीक है। तीन रीजन हो गए। सो हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कौन सा रूल, बाय दो तो एंगल है और एक साइड है, तो बाय दो एंगल है और एक साइड है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन ने बोला था इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना या फिर कॉन्ग्रुएंट करना, मैंने कर दिया, हो गया क्वेश्चन का एंड। तो प्लीज बच्चों आप उतार लीजिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने उतार लिया है, पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कह रहा है। If the bisector of the exterior vertical angle of a triangle
सबसे पहले तो ध्यान से देखो, एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, ध्यान से समझना। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। बच्चों इन्हें कहते हैं बेस एंगल, इन्हें कहते हैं बेस एंगल, और वो होता है वर्टिकल एंगल। वो कह रहा है वर्टिकल एंगल का एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर कैसे बनता है, जब मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लूंगा, एक्सटेंड कर दी, देखो ये वाला एंगल एक्सटीरियर, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर होता है ये। और ये एक्सटीरियर किसका है, हमारे वर्टिकल एंगल का है, वर्टिकल एंगल है ना, इसे वर्टिकल कहते हैं, और ये बेस वाले एंगल है। अगर इसको एक्सटेंड करूं, लेट सपोज अगर मैं बोलूं मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ये वाला एंगल, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है लेकिन बेस वाले एंगल का, उसमें हमें बोला है कौन सा लेना, हमें वर्टिकल एंगल का एक्सटीरियर लेना, ठीक है। इसका जो बाइसेक्टर है ना, जो इसे बीच में से काटते जा रहा है, वो हमारा पैरेलल है हमारे बेस के, मतलब इसके, तो देखो देखो इसका बाइसेक्टर कौन ही है, क्या इसका बाइसेक्टर कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे बना ये बाइसेक्टर है, इसका नाम मैं लेता हूं एडी। लेट सपोज मैं इसका नाम देता हूं आपके सामने, आपके लिए एडी ले लिया इसका नाम, ठीक है बच्चों, मैंने क्या ले लिया एडी। चलो यहां पर बोला हुआ है कि हमारा ये जो एडी है, आपको पता है ये एडी बाइस लग नहीं रहा, बीच में से काट रहा है, लेकिन मान लो हमारे इस एडी ने क्या किया, समझना मेरी बात को अच्छे से, इस एडी ने क्या करा, ये जो एक्सटीरियर एंगल था वर्टिकल एंगल का, जो एक्सटीरियर एंगल था उसे बीच में से काट गया, बाइसेक्टर बोला हुआ, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, बीच में से कटा अगर ये एंगल, तो ये पार्ट और ये पार्ट दिखने में नहीं लग रहा, वो मेरे डायग्राम की गलती है, वैसे है ये बराबर। अब वो कह रहा है प्रूफ क्या करना है, शो दैट द ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, हमें बताना है ये ट्राइंगल आइसोस्केलस, हमारा तो ये ट्राइंगल है ना यार, आइसोस्केलस कब होगा, जब इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बराबर हो जाए, है ना, कोई भी दो साइड होगा बराबर हो जाए तभी आइसोस्केलस होगा, है कि नहीं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कैसे करना है इसे। मैं इस डीसी को मिला देता हूं, देखो ध्यान से, मुझे शो करना है ट्राइंगल आइसोस्केलस, ये आइसोस्केलस कब होगा, जब ये वाली साइड कोई भी दो साइड बराबर हो जाए, है ना। तो एक काम करता हूं, पहले तो इसे मिला देता हूं, ठीक है, मैंने मिला दिया इसे ताकि दो ट्राइंगल आए, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल हमारा एबीसी है ना गिवन ट्राइंगल, तो ये आइसोस्केलस है, हमें इसे प्रूफ करना है कि हमारा क्या आ जाएगा, आइसोस्केलस। तो चलिए करते हैं आइसोस्केलस प्रूफ। मैं इस वाली साइड को और इस वाली साइड को बराबर दिखाऊंगा, देखना ध्यान से, इस वाली साइड को, ये वाली साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले में, और आपको पता है ये वाली साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले में। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया ये वाला ट्राइंगल ए बी सी एंड इसमें पहले ए को बोला है, तो यहां पर भी ए को ही बोलना पड़ेगा, ए सी डी, दिख गया भाई दोनों, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। देखो बच्चों मैंने पहले ए बी को लिया, ए बी को क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको बराबर दिखाना है, किसके, ए सी के दिखाना है, तो इसने ए सी को भी पहले लिया, तभी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा, ए बी और ए सी तभी तो बराबर होंगे ना, ध्यान से देखना बेटा, मुझे ए बी और ए सी को बराबर दिखाना है। मान लो यहां पर कॉन्ग्रेंट हो गई, हो गए कॉन्ग्रेंट कर दिए, ए बी और ए सी सीपीसीटी से तभी तो होंगे जब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में होंगे। अगर मान लो इस ट्राइंगल का नाम मैं लिखता सी ए डी ए सी, तो यार ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, डी ए के, हमें ये दोनों थोड़े बराबर दिखाने हैं, हमें तो ये दिखाना है कि हमारा ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसके मैंने ट्राइंगल का नाम ऐसे लिया। अब इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो मैं आपको पहला रीजन बताता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर देखना आप ध्यान से, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैंने आपको बताया, देखो जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है ना, यहां से लेके यहां तक एंगल और यहां से लेके यहां तक, ये बराबर है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और भी चीजें देखना बच्चों ध्यान से, ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम लग रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है,
तो भाई ये पैरेलल है तो भाई अपोजिट साइड इक्वल भी होगी, होगी कि नहीं होगी? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर भी हो सकता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, अब तो बहुत सारे रीजन दिख गए। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी, मतलब कि ये वाला, इस वाले ट्राइंगल के डी ए सी के बराबर है इस वाले एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्यों बराबर है? ऐसे जेड बन रहा है उल्टा, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए और एक और रीजन देखते हैं, ये बीसी और वो एडी बराबर है। बच्चों बीसी और एडी बराबर क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड इज आर इक्वल। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? बराबर। उस हिसाब से ए बी देखो किसके बराबर दिख रहा है, डीसी के। वही से पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, तीन रीजन हो गए। सो ये मुझे पैरेललोग्राम कैसे लगा? देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है पैरेलल, ठीक है बच्चों। देखो ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल लग रही है, इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल आ रही है, ये वाली साइड भी पैरेलल है, वो भी लग रही है पैरेलल, और तो अल्टरनेट, तो ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अब देखते हैं बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्गोरेंट हो गया है ट्राइंगल ए सी डी के बाय, आप देख सकते हो कौन सा रूल लग रहा है, एक तो एंगल है और दो साइड है। अब हमें बराबर किसको दिखाना था? ए बी को। ये ए बी और ए सी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी, और कौन सा रूल लग रहा है? बाय सीपीसीडी। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्गुरेंट ट्राइंगल के। तो अगर ये ए बी और ये ए सी बराबर हो गया, देखो मैं नीचे बना रहा हूं डायग्राम को, दोबारा से बना रहा हूं। देखो हमारा ये तो ट्राइंगल था ए बी सी, मैं कह रहा हूं आपसे अगर ये ए बी सी में अगर मैंने इसको और इसको बराबर कर दिया, देखो ए बी और ए सी, तो ये प्रूव्ड हो गए आइसोस्केलेस है। यही तो हमें प्रूव करना था, ट्राइंगल हमारा आइसोस्केलेस, बस हमें इतना सही प्रूव करना था, बस ए बी और ए सी, ठीक है। इस वाली लाइन को इसलिए जोड़ा ताकि ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो, और जब मैंने देखा तो ये पैरेललोग्राम होता, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। उतार दीजिए इसे, तो बच्चों आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।